हेलो दोस्तों, सिटी कंप्यूटर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते रहें। हेलो दोस्तों, सिटी कंप्यूटर एजुकेशन के वीडियो नंबर 3 में आपका स्वागत है, जिसमें हम सीखेंगे कि ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट को कैसे बनाया जाता है, और साथ ही अगर हमने अपने वेब पेज में कमेंट्स को लगाना हो तो किस तरह से लगा सकते हैं। तो चलिए, हमने अपना नोटपैड खोल लिया है, अब हम इसमें अपने जो टैग्स है उसके साथ अपने प्रोग्राम को बनाना शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने HTML टैग लगा लिया है, उसके बाद हेड टैग का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हेड टैग को एज इट इज़ हम क्लोज कर रहे हैं। अगर इन टैग की आपको जानकारी नहीं है तो आप कृपया मेरे पिछले 2 वीडियोज़ देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हेड टैग का क्या फंक्शन है, बॉडी टैग का क्या फंक्शन है, HTML टैग का क्या फंक्शन है। अभी हमने हेड टैग के अंदर टाइटल टैग को डिफाइन करना है, तो चलिए टाइटल टैग को डिफाइन करते हैं और इसमें हम अपना जो टाइटल है वो बता देंगे कि हमारा इस पेज का क्या टाइटल है, ऑर्डर एंड अन ऑर्डर लिस्ट HTML। चलिए बॉडी को डिफाइन करते हैं। अब हम इसमें कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी कर लिया हमने कंट्रोल की से, था की से कंट्रोल सी के साथ, उसके बाद कंट्रोल वी के साथ हमने इसको पेस्ट कर दिया एप्पल को। उसके बाद हम पहले में दे देते हैं एप्पल और दूसरे में मैंगो, तीसरे में ग्रेप्स, चौथे में ऑरेंज, पांचवे में क्लोथ्स, छठे में जीन्स, उसके बाद टॉप्स एंड लास्ट में हम दे देते हैं शर्ट्स। इसको हम सेव करते हैं कंट्रोल एस की कमांड के साथ। उसके बाद हम इसको जहाँ पर इसको सेव करना चाहें वहाँ पर सेव करते हैं। हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करने लगे और हमने फाइल का नाम दे दिया ul.html और उसको हमने डबल कोट्स के अंदर रख लिया और ये लीजिए हमने इसको सेव कर दिया। अब इसको खोलते हैं। ये रही हमारे डेस्कटॉप के ऊपर ul.html, खोला तो हमने देखा, देखिए इसके आगे क्या हुआ कि बुलेट लग गया अपने आप। बुलेट मीन्स अनऑर्डर लिस्ट है और इसको हमने जो गोल चक्कर है वो लगा दिया उसके आगे ul टैग ने। अब इसकी हम टाइप को डिफाइन करते हैं। टाइप इक्वल टू रेक्टेंगल, मेरे ख्याल से ये रेक्टेंगल चलेगा, नहीं, हाँ नहीं चला। अब इसको चेंज करते हैं, इसको स्क्वायर के साथ चेंज करते हैं, स्क्वायर कंट्रोल एस, और देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारी आउटपुट थी वो स्क्वायर में आ गई। और उसके बाद फिर राउंड, अब देखिए राउंड लगाएंगे तो उस पर इफेक्ट नहीं आएगा कोई भी, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट है वो राउंड ही हमारा होता है। और उसके बाद हम इसको हटा देते हैं और चेक करते हैं, देखिए जो हमारा डिफ़ॉल्ट है वो राउंड ही था। तो इस तरह से दोस्तों हम क्या बना सकते हैं अपनी अनऑर्डर लिस्ट। अब हमने ऑर्डर लिस्ट बनानी है, ऑर्डर लिस्ट जिस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले इसकी टाइप को कर देते हैं डिफाइन स्क्वायर, चलिए स्केयर हो गया। अब क्या करते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं पूरी की पूरी लिस्ट को, और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया और जो स्केयर है उसको हमने टाइप ए कर दिया, टाइप ए, और ul की जगह हमने ol लगा दी। ol स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट, ul स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट, ol स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट। अब देखिए ए हमने टाइप दिया तो उसने उसका ABCD के साथ प्रिंट कर दिया। स्मॉल ए लगा दी हमने कंट्रोल एस और F5 किया, रिफ्रेश किया तो फिर उसने स्मॉल कर दिया। अब हम इसमें 1 2 3 देंगे, रोमन 1 दे दिया हमने तो उसने रोमन स्मॉल 1 2 3 दे दिया। अब हम इसको क्या करते हैं कैपिटल I दे देते हैं, तो उसने क्या करना है कि रोमन कैपिटल में 1 2 3 4 5 6 7 8 कर देना है।
ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट मीन्स ये ऑर्डर जनरेट कर रही है, ठीक है, ऑर्डर में प्रिंट कर रही है हमारी लिस्ट को। अब हम यहाँ पर एक एचआर टैग लगा देते हैं, हॉरिजेंटल रो। एचआर टैग है लाइन लगाने के लिए, अगर हम स्ट्रेट लगाएं लगाना चाहते हैं, हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और ऊपर पेस्ट कर देते हैं यूएल और ओएल के बीच में, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बीच में। यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस F5, और देखिए यहाँ पर लिस्ट में लग गया। अब यहाँ पर हम क्या डिफाइन करते हैं कि एक हेडिंग दे देते हैं H1 टैग के अंदर, जिसमें लिखा हो ऑर्डर लिस्ट, लीजिए देते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से कर लीजिए, क्योंकि इस सीरीज़ में हम सभी तरह से वेब प्रोग्रामिंग को सीखेंगे, जैसे कि ASP के साथ, PHP के साथ, HTML के साथ। जैसे ही हमारे HTML का कंसेप्ट ख़त्म होगा, हमने क्या करना है कि बूटस्ट्रैप जो कि जावास्क्रिप्ट का एडवांस वर्जन है, उसके बारे में लर्निंग शुरू कर देनी है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसको कर लीजिए। लीजिए हेड टैग डिफाइन करने से पहले हम क्या करते हैं, कमेंट को डिफाइन करते हैं। देखिए अगर अपने प्रोग्राम के बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं तो फिर हम उसको कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। और देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमने यहाँ पर एक कमेंट लिख दिया है जो कि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट मीन लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन के साथ, और हाइफन के साथ आता है, ठीक है। अब इसमें जो कुछ भी लिखा जाएगा, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ प्रोग्राम इज़ रिटन बाय अखिलेश शर्मा, अखिलेश मेरा नाम है, एट सिटी कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। तो ये क्या है कि इसका जो कंपाइलर है, कंपाइलर इस लाइन को इग्नोर कर देगा और इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा पूरे प्रोग्राम के ऊपर। ये जिस तरह से हमने रेफरेंस के तौर पर कोई कमेंट किसी को बताना हो कि हाँ ये प्रोग्राम किसके बारे में है, किसके द्वारा लिखा गया है, इस फंक्शन का क्या काम है, अगर ये हमने HTML में बताना हो तो हम उसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। लीजिए अब हम इसको, जैसे मैंने आपको बोला था कि एक हेड डिफाइन कर देते हैं ऑर्डर लिस्ट का, लीजिए कंट्रोल एस F5, और ये हमारी ऑर्डर लिस्ट कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो प्रोग्राम है आज का कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं फिर बोल रहा हूँ कृपया आप उसे कर लीजिए। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।